नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं एक उत्तर प्रदेश के शख्सियत जिनकी हमेशा से चर्चा होती है सेल टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में। लेकिन आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे एक धार्मिक प्रोग्राम की, और ये प्रोग्राम कानपुर के मैनावती मार्ग है वहां पर हो रहा है। और कितना भव्य प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम की रूपरेखा है, इसमें कानपुर और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उससे कितने प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, इसकी सबकी जानकारी लेंगे। और ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जहाँ पे मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और एक भव्य कार्यक्रम है, कलश यात्रा है। तो संतोष सर, ये बताइए कि क्या प्रोग्राम है और किस तरह से इसको आपने कहते हो कि आप अध्यक्ष हैं उसके। जी, इसमें देखिए ऐसा है कि हमारी जो संस्था है श्री गोपाल जी मंडल कानपुर, ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक हम लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी की जो कानपुर में शोभा यात्रा निकलती है 7 बीच को, तो उसमें हम भगवान जगन्नाथ जी का रथ लेके अपने मंडल के जो बच्चे हैं और हम सब किशोर लोग हैं, युवक लोग हैं, ये लोग उसमें बाजा बजाते हुए चलते हैं, भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। तो उस तरीके से हम लोग हर समय भगवान जगन्नाथ की सेवा करके अपना सौभाग्य मांगते हैं। इसी श्रृंखला में जब ये सब हम लोग कर ही रहे हैं तो हम लोग ये करते थे कि एक बार हम लोग 15 साल पहले हम लोगों ने एक नया और शुरू किया कि कानपुर में एक बार हम लोग शोभा यात्रा निकालें, एक बार वृंदावन में निकालते थे रोटेशन से डोली यात्रा। डोलियां होती थी, उसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा जी और दाऊ बलराम जी की डोलियां होती हैं, उसको हम लोग अपने कंधे में रख कर लेके चलते हैं और बैंड बाजा जो सवारी के जैसे होते हैं हम सब लोग बाजा बजाते हैं। हमारी महिलाएं जो उसमें शामिल होती हैं, महिला बहनों से किया, वो सब डांडिया और ये सब करती हुई चलती है, भजन कीर्तन होता रहता है। वो श्रृंखला हम लोग चालू किए तो बीच में एक ये प्रेरणा आई कि क्यों ना हम लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर कानपुर में इसका निर्माण करें। तो इस मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग मैनावती मार्ग में, जहाँ आप समझिए कि इस्कॉन से 1 किलोमीटर पहले एनआरआई सिटी का जो मार्ग है, जागेश्वर मंदिर नवाबगंज पिठूर की ओर से जाता है, ये एनआरआई सिटी से करीब 1 किलोमीटर आगे बाएं हाथ पर अंदर की तरफ ये गज में बना हुआ है मंदिर। ये 2 मंजिला मंदिर बना है। ये पिठूर क्षेत्र वैसे भी अपने आप एक बहुत पौराणिक क्षेत्र है और इसकी बड़ी मान्यता है पिठूर क्षेत्र की। और सर ये बताइए कि जो मूर्तियां हैं, जैसे जगन्नाथ महाराज जी की स्वामी की मूर्तियां हैं, माँ सुभद्रा की मूर्ति है, बलभद्र जी की महाराज की मूर्तियां हैं, तो ये मूर्तियां कहाँ से लाई गई हैं और इसका क्या, किस तरह से सजावट होगी? जी, हम लोगों ने जब ये सोचा कि मंदिर भगवान जगन्नाथ स्वामी का बनाया जाए तो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ 2 मंजिला मंदिर तैयार हो गया। अब उसमें फिनिशिंग का काम कोरोना काल की वजह से थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब पूरा हो गया। तो उसमें भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और दाऊ बलराम जी के विग्रह स्थापित करने थे, तो इसको हम लोग जगन्नाथपुरी से लेके आए। जगन्नाथपुरी में भगवान के अच्छे अच्छे विग्रह उपलब्ध रहते हैं, छोटे बड़े हर साइज में रहते हैं, तो हम लोग वहां से इसको लेके आए और यहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष थे उनके घर पर ये रखे गए, इनकी पूजा पाठ होती रही। अब जब मंदिर तैयार हो गया तो ये विचार हुआ कि अब भगवान जगन्नाथ स्वामी को उनके मंदिर पर विराजमान कराया जाए और उसके लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा का पूजन विधिवत कराया जाए। तो कानपुर के प्रसिद्ध आचार्य हैं, वो अपने 5 वैदिक मतों के साथ इसकी पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वो उनके निवास पर जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके पुत्र के निवास से हम लोग ले जाके वहां विराजमान कर दिया। हमने भगवान धूमधाम से वहां गए, उनकी आगवानी हुई, निहारेंगे तो आप उसे मन हटा नहीं पाएंगे, ऐसी मूर्तियां हैं। और इस जो आज 6 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और ये सर ये जो इसकी प्रतिष्ठा कलश यात्रा की बात जो आप कर रहे थे, जो हम लोग तो पूजा करेंगे विधि विधान से 5 दिन रविवार को, 12 दिसंबर रविवार को वृहत कार्यक्रम यह है कि उस समय तक प्राण प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम पूजन विधि विधान संपन्न हो जाएगा। तो प्रातः 10 बजे हम लोग जो यहाँ जागेश्वर मंदिर के आगे एनआरआई सिटी है वहां से भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा, चूंकि उन्हें देव मिलन कराना होता है और भ्रमण के बाद ही वो पर स्थायी रूप से विराजमान होंगे मंदिर में, तो शोभा यात्रा में हम लोग
सब अपना बाजा बजाते हुए चलेंगे, बैंड बाजा भी होगा, महिलाएं अपना डांडिया और नृत्य करती चलेंगी, भजन कीर्तन के साथ वो हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। जगह जगह समाज सेवी संगठन और लोगों ने उसके स्वागत और आरती का बंदोबस्त किया हुआ है, व्यवस्थाएं की हैं। और फिर हम लोग मंदिर पहुंचेंगे तो करीब 12:30 बजे के बाद मंदिर में भगवान को उनके विग्रह गर्भगृह में जहां उनके लिए सिंहासन पूरा बनाया गया है वहां वो विराजमान हो जाएंगे। पूजा आरती भोग के साथ हम लोगों ने वहां सब भक्त जनों को जो भगवान जगन्नाथ स्वामी के भक्त हैं सब आएंगे, पधारेंगे, उनके दर्शन का लाभ करेंगे और पूरा भंडारा प्रसाद सबको वहां कराया जाएगा, भजन कीर्तन होते रहेंगे शाम 5 बजे तक। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत बृहद कार्यक्रम कानपुर की धरती पर जो बिठूर का क्षेत्र कहा जाता है, बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र है, उसमें हो रहा है। और ये वाकई में जो मैंने भी जो गया था, मैंने भी देखा था उस जगह को, तो मुझे लगा था कि इस जगह में बार बार आना चाहिए। तो ये जरूरी है कि एक बार आप भी जाके देखें और उसकी मूर्तियों को देखें कि किस तरह से मूर्तियां, कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं और कितनी अच्छी जगह है ये बिठूर की। और हम यही अपेक्षा करेंगे कि ये कार्यक्रम बहुत सफल हो और बहुत अच्छी तरह से। विशाल जी, इसमें खास बात और है कि कानपुर शहर के आसपास जो भी जिले हैं या जो अपने तहसीलें हैं वहां सभी भक्त जन इस कार्यक्रम में सब हिस्सा लेने यहाँ पधार रहे हैं और वो भगवान की शोभा यात्रा का पूरा आनंद लेंगे। हम आपके माध्यम से कानपुर के भी श्रद्धालु जनों से निवेदन करेंगे कि वो भगवान की शोभा यात्रा का लाभ ले, भंडारा भोग प्रसाद का लाभ ले, आप आए और आप आके महसूस करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम पर और आप पर सब पर मेहरबान रहेगा, उनकी कृपा रहेगी, कृपा प्रसादी मिलेगी, आप सब अवश्य पधारें। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है एक कार्यक्रम वहद यहाँ पर हो रहा है और उसकी रूपरेखा और कलश यात्रा की शोभा यात्रा किस तरह से निकलेगी, उसमें सब लोगों को शामिल होने से एक सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अभी तक के लिए इतना और विकास वाजपेयी को इजाजत दीजिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।